वेलकम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम जी एन एस थ्री इंस्टॉलेशन करने वाले हैं उसके अंदर जी एन एस थ्री वी एम को कन्फिगर करने वाले हैं एंड देन एट लास्ट हम डिवाइसेस को ऐड करने वाले हैं जैसे कि राउटर्स uh, हैं स्विचेज हैं डॉकर्स हैं तो उन सब डिवाइसेस को हम ऐड करेंगे और रन करके भी एक बार देखेंगे सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले हमें कुछ फाइल्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होंगे तो सबसे पहले मैं उन लिंक्स पर चल जाता हूँ ये रहा सबसे पहला लिंक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मैंने डाल दिए हैं तो ये पहला लिंक है गिट का जी एन थ्री का जो है यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है टू पॉइंट टू पॉइंट ट्वेंटी वन तो आप इसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई नया वर्जन आता है तो उसके लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा अगर प्रोसीजर बदलता है तो मैं नया एक वीडियो बना दूंगा तो यहाँ पे अभी ये वर्जन 2.2.21 चल रहा है तो सबसे पहली जो फाइल हमें डाउनलोड करनी है वो है फर्स्ट वन जी एन एस थ्री टू पॉइंट टू पॉइंट ट्वेंटी वन ऑल इन वन डॉट ई एक्सी फाइल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा देन हमें डाउनलोड करना है फोर्थ लास्ट फाइल जो कि है ये वाली जी एन एस थ्री वी एम वी एम वेयर वर्क स्टेशन टू पॉइंट टू पॉइंट ट्वेंटी वन इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद हमें चाहिए VMware वेयर वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर वी एम वेयर वर्क स्टेशन सिक्सटीन प्रो जो कि अभी सिक्सटीन जो है अभी इनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है तो अभी मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड नाउ तो अभी ये सारी फ़ाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई हैं तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं हम एक एक करके सबको इंस्टॉल करेंगे सो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी एन एस थ्री से हम इसकी सेटअप फाइल को रन करेंगे पहले क्लिक करना है हमें इसकी सेटअप फाइल पे देन ये परमिशन मांगेगा हमें येस पर क्लिक करना है एंड ये इसका सेटअप आ जाएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट आई एग्री देन अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट देन ये पाथ बताएगा कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है देन नेक्स्ट और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है तो अभी इंस्टॉलेशन के दौरान मेरे पास ये पॉप अप आया है ये भी जी के साथ ही एक सॉफ्टवेयर चलता है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बस यहाँ पे करना है नेक्स्ट देन आई एग्री देन इंस्टॉल ऑन देन फिनिश तो ये अभी नेक्स्ट पॉपअप आएगा यहाँ पे आपको आई एग्री देन इंस्टॉल करना है तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है देन यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट देन फिनिश देन अभी ये वायर शार्क इंस्टॉल करेगा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टूल है पैकेट्स कैप्चर करने के लिए अभी ये वायर शार्क को डाउनलोड कर रहे हैं देन ये इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जी एन एस थ्री का सेटअप इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर आ रहा है कम्प्लीटेड अगर आपको इसके बीच में कोई भी इश्यू आता है तो आप नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं हम आपको ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई कर देंगे तो अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करके देन यहाँ पे एक ऑफर दे रहा है आई जस्ट क्लिक नो देन नेक्स्ट पे देन स्टार्ट जी एन को अभी के लिए हमें अनटिक करना है देन यहाँ पे फिनिश देन यहाँ पे एक जी एन की साइट खोल देगा ये देन हम इसको क्लोज कर सकते हैं सेफली देन अब हमें प्रोसीड करना है वी एम वेयर वर्क स्टेशन की इंस्टॉलेशन के साथ तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके सेटअप पे तो यहां पे आपको क्लिक करना है येस पे देन अभी ये वीएम वेयर वर्क स्टेशन को इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन यहां पे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा क्योंकि हमने अभी अभी जी एन एस थ्री इंस्टॉल करते समय माइक्रोसॉफ्ट वी सी इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं अभी रीस्टार्ट करता हूँ इसको तो अभी मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है यहाँ पे रीस्टार्ट करने के बाद आपको फिर सेटअप से फाइल पे क्लिक करना है वीएम की देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस देन अगर ये प्रिपेयर कर रहा है अभी एंड इस बार इसका सेटअप आ चुका है एंड इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेटअप खुल चुका है आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे देन यहाँ पे आपको लाइसेंस टर्म्स पढ़ लेनी है यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ आई एक्सेप्ट देन आपको करना है नेक्स्ट देन अगेन आपको करना है नेक्स्ट देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फाइनली इंस्टॉल पे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर VMware वेयर वर्क स्टेशन का भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पर ये यह आपसे एक लाइसेंस मांगेगा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लाइसेंस डाल दिया है यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करूँगा देन जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है वो इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है पहले तो पहले मैं इसको फोल्डर में जाके यहाँ सेवन जिप की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे देन यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है देन एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको ये एक ओवा फाइल मिलेगी ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट इसको पे आपको राइट right क्लिक करना है देन ओपन विद वी एम वेयर वर्क स्टेशन देन यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है एंड यहाँ पर ये वी एम वेयर वर्क स्टेशन में खुलेगी ये फाइल एंड सबसे पहले ये आपसे लाइसेंस मांग रहा है तो मैं पहले लाइसेंस डाल देता हूँ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना लाइसेंस को पेस्ट कर देता हूँ देन यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू देन अगेन ये आपसे परमिशन मांगेगा आपको करना है यस देन फिनिश पे देन यहाँ पर वो फाइल यहाँ पर खुल चुकी है आपको बस क्या करना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट पर देन ये जो वो फाइल थी उसको आप ये वी एम वेयर वर्क स्टेशन में इम्पोर्ट करेगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जी एन एस थ्री वी एम भी इम्पोर्ट हो गया है इसके बाद हमें जी एन एस थ्री में जाना है और इसे वहाँ पर लिंक कर देना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जी एन एस थ्री खोल लेता हूँ यहाँ पर अभी जी एन एस थ्री ओपन हो रहा है मेरा देन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जी एन एस थ्री खुल रहा है एंड ये जी एन एस थ्री ओपन हो चुका है यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सेटअप विजिट का पॉपअप आएगा आपको यहाँ पर डोंट शो दिस अगेन पर क्लिक करना है देन यहाँ पर कैंसिल कर देना है इसको देन यहाँ से आपको जाना है एडिट पे देन प्रेफरेंसेस जो यहाँ पर आपको दिख रहा है देन आपको जाना है यहाँ पे जी एन एस थ्री वी एम पे जो कि है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन इनेबल द जी एन एस वी एम इस पर आपको टेक कर देना है देन यहाँ पर अप्लाई कर देना है तो अभी ये जी एन एस वी एम जो है हमारे जी एन एस थ्री से लिंक हो जाएगा आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है और जब भी आप जी एन एस थ्री को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होएगा जी एन एस थ्री वी एम एंड जब आप जी एन एस थ्री को क्लोज करेंगे तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जी एन एस थ्री वी एम भी पूरी तरह से ओपन हो चुका है अभी मैं यहाँ से जाऊँगा जी एन एस थ्री पर देन तो यहाँ पर क्लिक करना है ओके पे एन तो आप देख सकते हैं यहाँ जी एन एस सी वी एम भी ग्रीन दिखा रहा है एंड माई डेस्कटॉप को भी ग्रीन दिखा रहा है आपका दोनों ये ग्रीन आना चाहिए कहीं आपका अगर ग्रे आ रहा है या रेड आ रहा है मतलब कोई दिक्कत है आपकी जी एन एस थ्री वी एम में या फिर जी एन एस थ्री में कोई बात नहीं अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है आप यहाँ पर कमेंट में फिर से लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपको पहले जाना है यहाँ पर फिर से एडिट में देन प्रेफरेंसेस में देन यहाँ पर आपको दिखेगा एक इंटरफेस स्टाइल इससे आप जी एन का लुक बदल सकते हैं यहाँ पर अभी ये क्लासिक है इसको अगर मैं चारकोल करता हूँ तो ये डार्क थीम का हो जाएगा यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है देन आप देख सकते हैं ये डार्क थीम हो चुका है अगर आपको लेजेसी पे जाना है लेजेसी में अगर आप करते हैं देन अप्लाई तो आपका ये इंटरफेस थोड़ा सा बदल जाएगा देन आपको जाना है फिर से एडिट पे देन प्रेफरेंसेस यहाँ पर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं जी थ्री की जो आप चाहें यहाँ पर जाने के बाद अब हम अब हमें अब हमें डिवाइसेस को ऐड करना है तो डिवाइसेस को ऐड करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें हमें डिवाइसेस को ऐड करने के लिए हमें उनकी इमेजेस चाहिए होंगी राउटर की इमेजेस स्विच की आईओएस इमेजेस चाहिए होंगी जो कि हम जी एन एस में चलाएंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी एन एस थ्री मैट डॉट स्पॉट कॉम यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी ये रही डाउनलोड जी एन थ्री राउटर एंड स्विच इमेजेस ये गूगल ड्राइव का लिंक है आपको इसको कॉपी करना है देन ब्राउजर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है यहाँ पर आपको फाइल्स मिलेंगी यहाँ पर आपको पहले सेकंड वाली जिप फाइल डाउनलोड करनी है आई राउटर देन यहाँ पे एक वार्निंग देगा आपको करना है डाउनलोड एनी देन आपको डाउनलोड करना है आई ओ स्विचेस डाउनलोड एनी इसको भी करना है देन लास्ट है जो आई ओ यू आर सी डॉट फाइल ये एक लाइसेंस फाइल है इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है तो अब ये तीनों फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों फाइल्स डाउनलोड हो गई है सबसे पहले आपको इन सबको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सबसे पहले आपको इन दोनों जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है मैं पहले जाऊंगा इन फोल्डर में देन इसको भी सेवन जिप की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा देन एक फ़ाइल हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई है जो कि आई ओ एस राउटर देन हमें एक्सट्रैक्ट करना है आई ओ यू फीचर्स को यहाँ पर इसको मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ देन ये दोनों फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं और मेरे पास लाइसेंस फाइल भी है इसके बाद आपको जाना है जी एन एस थ्री में देन अगेन एडिट और फिर प्रेफरेंसेज में फिर आपको जाना है आई ओ एस राउटर्स में जो कि डायनिक्स के एकदम नीचे है यहाँ पर आपको जाके न्यू पर क्लिक करना है देन यहाँ पर आएगा रन दिस आई ओ एस राउटर ऑन माई लोकल कंप्यूटर इसको आपको नेक्स्ट कर देना है देन ये आई ओ एस इमेज आपसे मांगेगा आपको यहाँ पर करना है ब्राउज ब्राउज पर जहाँ पर आपने अपनी आई ओ एस राउटर की इमेज रखी हुई है या जहाँ पर आपने अपना जिप फाइल एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पर आपको जनरल लोकेशन पर मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में रखा है यहाँ पर जाना जाऊँगा मैं आई राउटर में देन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा सेवेंटी टू हंड्रेड सीरीज का राउटर यहाँ पर मैं करूँगा ओपन देन ये वुड यू लाइक टू कॉपी आप यहाँ पर येस कर सकते हैं देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये आपसे इंटरफेसेस पूछेगा कौन कौन से आप अपने राउटर में चाहते हैं जैसे फास्ट इथरनेट सीरियल इथरनेट यहाँ पर इस राउटर में आपको कई सारे इंटरफेस ऐड करने की सुविधा मिलती है यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ टू फास्ट इथरनेट देन अगेन टू फास्ट इथरनेट और फोर सीरियल इंटरफेस टी मतलब सीरियल इंटरफेस देन आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट और यहाँ पर आइडल पी वैल्यू पर क्लिक करना है देनी कुछ टाइम लेगा आपकी आइडल पी वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडल पी वैल्यू फाइंड हो चुकी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओके पर देन फिनिश पर देन यहाँ पर आपको करना है क्लिक एडिट पर देन अगर आप इसका सिंबल बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है ब्राउज पर यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिंबल्स मिल जाते हैं जी एन एस थ्री में जिनको आपको एडिट करना है तो यहाँ पर बहुत सारे हैं मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा स्क्वायर रेड देन यहाँ पर आपको टाइप करना है राउटर आपको राउटर की एक सिंपल मिल जाएगी आपको करना है ओके देन ओके देन यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर करना है अप्लाई पर क्लिक देन यहाँ पर जाना है आपको अगला स्टेप जो है हमें स्विचेस ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा आई ओ एस ऑन यूनिक्स पे देन यहाँ पर जो बॉक्स है इसको आपको अनटिक करना होगा देन यहाँ पर एक ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर ब्राउज करना है देन यहाँ पर जाना है आपको डाउनलोड्स पर देन आई ओ यू आर सी पे आपको इसको ओपन कर देना है देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइसेंस फाइल आ चुकी है आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई पर देन आपको जाना है आई ओ यू डिवाइसेस पर यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पे देन ये बाई डिफ़ॉल्ट जी एन एस सी वी एम पे ही चलते हैं आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे देन यहाँ पर आपको इसको कुछ भी नाम दे देना है मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ एस डब्ल्यू देन यहाँ पर आपको आई ओ यू इमेज ब्राउज करनी है मैं यहाँ पर ब्राउज करता हूँ एंड जहाँ पर आपने आई ओ यू स्विचेज की जिप फाइल एक्सट्रैक्ट की थी वहाँ जाना है मैंने डाउनलोड्स में किया था आई ओ यू स्विचज़ यहाँ पर मैं सबसे टॉप वाली इमेज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है एस एस ए हाई आयरन यहाँ पर अभी अपलोड होगा जी एन एस थ्री वी एम में देन आपको क्लिक करना है फिनिश पे तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका भी सिंबल हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा नहीं लग रहा आपको क्लिक करना है एडिट पे, आपको जाना है सिंबल, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है ब्राउज देन इस बार मैं स्क्वायर ब्लू ले, ले लेता हूँ यहाँ पर आपको फिल्टर में यहाँ पर टाइप करना है स्विच यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच का आ चुका है सिम्बल आपको क्लिक करना है ओके okay पर देन अगेन ओके पर देन अप्लाई पर दैन इतना प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया इसके बाद हमें कंसोल को ऐड करना होगा कंसोल मतलब जहाँ पर हमारे डिवाइसेस जो हैं वो एक्सेस होंगे जनरली आप देखेंगे जी एन में तो वो मल्टीपल विंडोज में खुलेंगे लेकिन हमें अगर एक ही विंडो में मिल जाता है मल्टीपल टैब्स में तो वो थोड़ी आसानी हो जाती है उसके लिए आपको एक और कंसोल चाहिए होगा जो कि है सोलार पुट्टी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगेन यहाँ पर मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से आपको इस लिंक पर जाकर करना है यह भी डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ पर सोलार विंड्स भी डाउनलोड तो यहाँ पर सोलार पुट्टी भी डाउनलोड हो चुका है इसको भी आपको डाउनलोड्स में यहाँ पर मेरा है एक्सट्रैक्ट कर लेना है मैं सेवन जिप की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ देन ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है देन आपको एक कोड चाहिए होगा जो कि यहाँ पर ही है इसी वेबसाइट में इसको आपको कॉपी कर लेना है देन आपको जाना है जी एन एस थ्री में देन एडिट में फिर प्रेफरेंसेस में देन जाना है कंसोल एप्लीकेशंस में और यहाँ पर आपको इसे एडिट करना है यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर अभी मेरे पीसी का जो पाथ है सोलार पुट्टी का वो आ रहा है इसको आपको अपने पीसी के पाथ से रिप्लेस कर देना है उसके लिए आपको जाना होगा अपने यहाँ पर जहाँ पर आपने सोलार पुट्टी डाउनलोड किया है यहाँ पर आपको राइट right क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है आपको देन यहाँ पर क्लिक करना है ओके पर देन जाना है जी एन एस थ्री में और यहाँ पे सोलार पुट्टी डॉट ई के पहले वाला जो पाथ है उसको आपको इरेज कर देना है और अपने पाथ को पेस्ट कर देना है देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओके पर देन अप्लाई पर देन अगेन ओके पर अब यहाँ पर आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या लैब बनानी है आपको जाना है फाइल पे देन न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट पे देन ये नाम पहले से अनटाइटल्ड है मैं यहाँ कुछ भी दे देता हूँ लाइक एक्स वाई जेड देन हम ये कुछ विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं ये यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दीजिए इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अगर आपको डिवाइसेस चाहिए तो सारे डिवाइसेस अगर आपको एक साथ चाहिए तो आपको यहाँ फिफ्थ ऑप्शन पे जाना है यहाँ पर आपको दिख रहा है सारे डिवाइसेस एक साथ सिर्फ राउटर चाहिए तो सबसे पहले वाले पे जाना है आपको यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करना है मतलब यहाँ से पहले आपको उठाना है देन यहाँ पर आपको रख देना है देन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो राउटर लिए हुए हैं यहाँ पर अगर आपको इनको कनेक्ट करना है वायर से तो ये सबसे लास्ट में नीचे वायर है इस पर आपको क्लिक करना है देन फर्स्ट राउटर पर क्लिक करना है और फर्स्ट राउटर का इंटरफेस सेलेक्ट करना है मैं यहाँ एफ जीरो स्लैश जीरो सेलेक्ट कर रहा हूँ देन सेकेंड पे एफ जीरो स्लैश जीरो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ देन जब ये हो जाए तब आपको राइट right क्लिक कर देना है अभी आप देख सकते हैं ये दोनों क्लोज स्टेट में है यहाँ पर रेड हो चुका है दोनों साइड यहाँ पर इनको ऑन करने के लिए आप इंडिविजुअली एक एक को स्टार्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके देन यहाँ पर स्टार्ट नहीं तो अगर आपकी बड़ी लैब है आपको सबको एक साथ स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर ग्रीन बटन है इसको क्लिक करेंगे देन यहाँ पर यस कर देंगे तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा सारा देन अगर आपको कंसोल पे जाना है इंडिविजुअली देन राइट क्लिक करेंगे देन कंसोल से यहाँ पे आप जा सकते हैं नहीं तो अगर आपको एक साथ सभी के कंसोल पे जाना है देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कंसोल पे जो कि कंसोल का आइकन है उसके बाद यह आपका सोलार पुट्टी खुल जाएगा आपको यहाँ पर आई एग्री पे करना है क्लिक देन एक्सेप्ट कर लेना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों राउटर के कंसोल खुल चुके हैं बट इनका फॉन्ट बहुत ज़्यादा ही छोटा है इनको जूम करने के लिए आपको इनकी सेटिंग्स बदलनी पड़ेगी सेटिंग्स बदलने के लिए आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं टॉप पर यहाँ पर क्लिक करना है देन यहाँ पर आ रहा है सेटिंग्स इस पर क्लिक करना है देन आपको जाना है जनरल में देन यहां पर आ रहा है फोन एंड कलर्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉन्च पुट्टी पे देन यहां पर आ रहा है अपियरेंस अपियरेंस में आपको ये दिख रहा होगा चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना है देन यहां पर आप फोन की वैल्यू जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं देन यहाँ पर अभी मैं इसको सिक्सटीन कर देता हूँ देन ओके देन अगर आपको कलर्स बदलने तो आप यहाँ कलर्स में जा सकते हैं डिफॉल्ट फोरग्राउंड पे क्लिक करना है देन मॉडिफाई देन अभी के लिए मैं इसको वाइट कर लेता हूँ सब सेटिंग्स करने के बाद आपको जाना है सेशन में यहाँ पर टॉप पर देन जाना है आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स में देन यहाँ आपको कर देना है सेव देन इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से इसको भी सेव कर देना है देन अभी आप देख सकते हैं अभी ये बदला नहीं है इसको चेंज करने के लिए आपको एक बार इस विंडो को क्लोज करना पड़ेगा देन अगेन यहाँ से ओपन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज बदल चुका है अगर आपको और इंक्रीज़ करना है तो वहीं से आप 16 से 18 कर सकते हैं या 22 कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं तो ये था जी एन का पूरा ट्यूटोरियल अगर आपको बीच में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बेझिझक लिखिए हम आपको ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर रिप्लाई ज़रूर करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय